12 नंबर का सवाल, बारवा सवाल, 25 में से कहां लिखा है कि अन्य भाषा दो तरह की होती है? कहां लिखा है कि दो तरह की, इंग्लिश में कहते हैं नोन टंग एंड अननोन टंग, नोन और अननोन टंग्स। आप थोड़ा सा और बाइबल पढ़िए, ठीक है, थोड़ा सा और बाइबल पढ़िए। जब बाइबल बात करता है अननोन टंग्स का, इसका मतलब है कि नोन टंग्स ऑलरेडी है ना, नोन टंग्स ऑलरेडी है। जब आप खाना खाते हो और आप कहते हो कि थोड़ा सा नमक मिलेगा क्या, तो वहाँ पर यह बोलने की ज़रूरत नहीं कि नमक बहुत कम है। अगर आप नमक मांगते हो तो बुद्धि की ज़रूरत ये महसूस करने के लिए, जानने के लिए, भाई ऑलरेडी नमक कम है इसमें, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो आप सोच समझ कर सवाल करें, मतलब तो आप बिना दिमाग का सवाल करते समझ में नहीं आता है कुछ कहाँ लिखा है। अरे भाई जब अननोन टंग्स लिखा है, अन्य भाषा जब लिखा है तो नोन भाषा है इसलिए अन्य भाषा लिखा है, सिंपल है। इसका क्या आपको जवाब चाहिए? इसके लिए आप स्क्रिप्चर पढ़े, बाइबल पढ़े आप थोड़ा सा अच्छे से। आपका उम्र एक्चुअली जितना बढ़ते चले जा रहा है ना, दिमाग उतना कम होते चले जा रहा है। ये संसारिक चिन्ह है बुढ़ापे का। वी विल प्रे फॉर यू, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, है ना, बुढ़ापे का चिन्ह है। सो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, अच्छे मेमोरी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको विजिट करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है, प्रभु आपको विजिट करें। हम आपके बुरे चीज़ों के लिए प्रार्थना बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमारे भाई हैं। और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको बुद्धि ज्ञान दे, क्योंकि उम्र बढ़ते चले जा रहा है। सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। 13 नंबर